चार स्टेटमेंट मैंने आपको बताए थे यहाँ पे। बाकी इन दोनों के लिए मैंने बोला था कि ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के होते हैं लेकिन सेम प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, जैसे कि सम नॉट ये होल्ड करते हैं, सेम वैसे ही ये भी होल्ड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ओनली अ फ्यू और ओनली का मतलब क्या होता है उसको जानने के पहले सम नॉट ऑल और नो को लेकर के क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद तब चलेंगे ओनली अ फ्यू और ओनली पे, क्योंकि ऐसा एक साथ में सारा बता दूंगी तुम लोगों को ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, उससे बेटर है कि पहले क्वेश्चंस करके देख लें उसके बाद हम चलेंगे कि कैसे ओनली अ फ्यू और ओनली यूज किया जाएगा। ठीक है, सब आ गए। अच्छा, एक यहाँ पे स्टेटमेंट देके रखा हुआ है, दो सम एक्टर्स आर सिंगर्स, सम सिंगर्स आर डांसर्स। आपको ये सारे कंक्लूजन चेक करने हैं, कुछ नहीं करना है, एक एक करके आंसर करना मत स्टार्ट करना, जिससे जो मैं पूछूंगी वो बताते जाना। ठीक है, कंक्लूजन आपके पास गिवन है, फटाफट चेक करो पहले डायग्राम बनाकर कि कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, उसके बाद में जिससे पूछूंगी वो आंसर करेगा। यहाँ पे कल का रिवाइज करके बैठे हो ना सब, ओके गुड। कल की रिकॉर्डिंग वाले में देखो, अगर आप लोगों को रिकॉर्डिंग में नहीं मिलता ना कोई भी चीज, अच्छा ये बात मैं मुझे बोली थी, रिकॉर्डिंग में अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर लिया करो, वहां पे गिवन होता है। ठीक है, वहां से देख लेना। और रूल्स लिखते नहीं हो जब बता रहे होते हैं तो? रूल्स कोई नहीं लिखता। एक बार बताओ कितने ऐसे लोग हो जो कॉपी पेन का इस्तेमाल करते हो? और सब ऐसे गाथा सुनते हैं? बेटा कॉपी पेन का इस्तेमाल करना जरूरी है, बिना कॉपी पेन के पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं होता, वो तो फिर सिर्फ चल रहा है ऐसा वाला कॉन्सेप्ट होता है। अभी उठाओ पेन और जल्दी से इसको सॉल्व करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से, फिर मैं एक एक से करके पूछना स्टार्ट करूंगी। हो गया क्या शिवानी का? हो गया भाई, बाकी लोग जल्दी करो। शिवानी एकदम जोश में है, एकदम जोश में। आयशा आजकल गायब रहती है क्लास से। दैट आई नो, क्योंकि मुझे मैसेज मिला था। चलो अच्छा आ जाओ, यहाँ पे स्टेटमेंट बना रहे होगे, अगर डायग्राम बनाओगे आप तो स्टेटमेंट में डायग्राम ऐसे ही करोगे, सम एक्टर्स आर सिंगर्स and some singers are dancers. अब जिससे जो पूछा जा रहा है वो बताते चलना। Some actors are singers. कौन बताएगा? दिव्या, दिव्या बताना। Some actors are singers. Yes ma'am. Yes ma'am. Follow करेगा? Yes. अच्छा। Some actors are singers, follow करेगा ऐसा कहना है दिव्या का। कितने लोग मानते हो कि करेक्ट है? करेक्ट लग रहा है मैम, करेक्ट लग रहा है, सबको करेक्ट लग रहा है यहाँ पे। ये एक तरीके का क्या गिवन है आपका? रीस्टेटमेंट है गिवन। ये क्या है? रीस्टेटमेंट मतलब कि जो स्टेटमेंट में देखे
रहा था वही कंक्लूजन में भी आपको पूछ रहा है। और कहीं कहीं पे बेटा ये बात ध्यान से सुनना, कहीं कहीं पे जब आप देखोगे ना तो इस चीज को लेकर के बड़ी कंफ्यूजन होती है। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि रीस्टेटमेंट सही होते हैं, जबकि कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि रीस्टेटमेंट गलत होते हैं, ठीक है। लेकिन रीस्टेटमेंट पे क्वेश्चंस कभी भी बहुत रेयरली पूछता है, बहुत रेयरली का मतलब बहुत रेयरली पूछता है आपको, वो पूछता है नहीं, ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन देता नहीं है, बट स्टिल आप अपने ना नॉलेज में रखो कि रीस्टेटमेंट जब भी आएगा तो आप उसको करेक्ट करोगे, इसको गलत नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा वाला बताएगा मुझे दिव्यांश, दिव्यांश सेकंड सही है या रॉन्ग, सेकंड फॉलो कर रहा है फिर गलत है, करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है ऐसा कहना है दिव्यांश का। सबके अकॉर्डिंग क्या सेकंड करेक्ट होना चाहिए, पहला करेक्ट दूसरा भी करेक्ट है मैम? यस मैम। अच्छा, सम सिंगर्स आर एक्टर्स पूछा था, एक्टर और सिंगर के बीच में सम का रिलेशन है तो सिंगर और एक्टर के बीच में भी सम का रिलेशन होगा, गिवन है ये तो। लास्ट थर्ड वाला, सम सिंगर आर डॉक्टर्स, ये फॉलो करेगा, सम सिंगर्स आर डॉक्टर्स नहीं यार, डांसर्स। यस मैम, डांसर्स होगा, यहाँ पर डांसर्स होना चाहिए था, नॉट डॉक्टर्स। हर जगह डॉक्टर ही मेंशन है मैम इसमें, कंक्लूजन में साथ में डॉक्टर है। तो एक सेकंड रुको रुको रुको, हर जगह हटाने से अच्छा है एक जगह हटाओ, हटा दीजिए। सही है, ठीक है, नेक्स्ट वन, चलो थर्ड भी आपने सही किया, नेक्स्ट वन, सम डॉक्टर आर एक्टर, ये बताएगी शिवानी। तुम्हारा नाम शिवानी है राहत मैम, पहले बोल दिया था मैंने, फिर आपने बोला, वो मारेंगे तुम्हें, बोला है ना कि नाम लेके बताएंगे। नहीं सही है, शिवानी का कहना नहीं सही है। और कौन है, कितने लोग एग्री करते हो शिवानी से? शिवानी से दिव्यांश एग्री करता है, दिव्या एग्री करती है, अच्छा आयशा आ गई, ओहो ओके। ये वाला भी आपका, सम डॉक्टर्स आर एक्टर्स वाली जैसे ही बात आई आपने बोला गलत है, डॉक्टर और एक्टर के बीच में सम का रिलेशन पूछ रहा है, ऐसा चार पांच लोगों ने बोला है, गलत है। बाकी जिन लोगों ने नहीं बोला है मैं उनसे पूछ रही हूँ, उनका क्या ख्याल है, जिन लोगों ने नहीं बोला है उनका क्या ख्याल है, सही होगा गलत होगा, बोलो मैम। गलत लग रहा है, गलत लग रहा है, क्यों गलत लग रहा है देवे मैम, ये बताओ रीजन दो ना मुझे, अगर गलत है मैम, स्टेटमेंट में कोई रिलेशन नहीं दिखा रहा इसका, स्टेटमेंट के अंदर दिव्यमन का कहना है, स्टेटमेंट के अंदर एक्टर और डॉक्टर के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, क्या ये सही है बात? पॉसिबिलिटी की कभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे, दैट मींस कि आपको एक्टर और डॉक्टर के बीच में कोई चीज मालूम नहीं है, किसी भी चीज को फिक्स नहीं कर सकते हो कि ये रिलेशन होगा ही इनके बीच में या ये रिलेशन नहीं ही होगा इनके बीच में, दोनों चीजें आप फिक्स नहीं कर पाओगे, ओके तो ये वाला गलत। तो नेक्स्ट वाला बताएगी आयशा, सम डॉक्टर्स आर नॉट एक्टर्स, क्या ये सही होगा? नो मैम, इनकरेक्ट है, नहीं सही होगा। आयशा का कहना है कि सम डॉक्टर्स आर नॉट एक्टर्स, गलत होगा, और ये बात मुझे राहत बताना क्यों गलत होगा। राहत मैम, डॉक्टर और एक्टर के बीच कोई रिलेशन गिवन ही नहीं है, सेम वही बात, जब आप पॉजिटिव केस में देख रहे थे तो आपने बोला कि कोई रिलेशन है या नहीं है आपको पता नहीं है, तो जब आप नेगेटिव में देख रहे हो तब भी रिलेशन नेगेटिव वाला है या नहीं है वो तुम्हें मालूम नहीं है, इसीलिए आप इसको भी गलत कर रहे हो। नेक्स्ट वन, सम सिंगर आर नॉट एक्टर, सिंगर और एक्टर के बीच में तो रिलेशन गिवन है, सम सिंगर आर नॉट एक्टर, ये बताना सही होगा या गलत होगा?
शिवानी का कहना है रॉन्ग होगा, गलत है मैम। राहत का भी कहना है गलत है, पायल का भी कहना है गलत है, और बाकी गलत है मैम। दिव्या, दिव्या मैम का कहना है गलत। यस मैम। ओके, दिव्या का भी कहना है कि गलत है। व्यांश, नाम नहीं लेंगे तो आंसर नहीं करेगा ये। शिवम, वैभव और कौन, कोई बचा है? नहीं, सबका ले लिया। सोच रहे हो? अच्छा दिव्यांश, सोच के बताना। अभी सम सिंगर्स आर नॉट एक्टर्स डजंट फॉलो अकॉर्डिंग टू वैभव। अभी दिव्यांश सोच रहा है कि क्या हो सकता है। Doesn't follow? Absolutely correct. ये follow आपका नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको कितने part के बारे में information है, actor के some part के बारे में, singer के some part के बारे में, some not वाला आपको पता ही नहीं है। ये जो part बचा है ये इससे relate करेगा नहीं करेगा वो मालूम नहीं है, information नहीं इसके बारे में, तो इसीलिए यहाँ पे ये गलत हो रहा है। All singers are actors, कोई भी answer करो जल्दी से। और सिंगर आर एक्टर क्या होगा, गलत या सही? गलत है। गलत है। ओके, नो सिंगर इज एक्टर, सिंगर गलत है। नो डॉक्टर इज एक्टर, गलत है। सब गलत, सब तुम लोग गलत ही कर दो, फिर सही क्या होगा? सही नहीं है तो क्या सही करें, है ना? एकदम करेक्ट हो तुम सब, दैट मींस कि अभी तुम्हें दिमाग में है कि कल क्या क्या बताया था। आज अब पहला स्टेटमेंट, अब आता है ऑल को लेकर के पहला स्टेटमेंट। ऑल हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट, और ऑल इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट। डन, शिवानी का डन हो गया भाई, बाकी लोग देख लो अपना अपना क्वेश्चन। राहत, क्या तुमने बोला? आयशा, शिवानी, दिव्यांश, इनका हो चुका है, राहत का भी हो गया। ओके, बाकी अच्छा, तो अभी पांच लोगों का हो गया है। तो सबसे पहले शिवानी ने आंसर बोला था, शिवानी बताओ। फर्स्ट वन, ऑल हारमोनियम आर फ्लूट, हारमोनियस हो गया है वहां पे, उसको ध्यान मत देना, ऑल हारमोनियम होना चाहिए था वहां पे, आर फ्लूट करेक्ट है। ओके, शिवानी का कहना है फर्स्ट वन इज करेक्ट। क्या सबके अकॉर्डिंग ये करेक्ट हो रहा है या नहीं ये बताना, वही वाली कंडीशन तुम्हारी, ऑल बी वाली है ना, पूरा ही ए बी में आया हुआ है, पूरा ही हारमोनियम फ्लूट के अंदर ही है। सेकंड वन, सम हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट, सम हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट होगा। थर्ड वन, सम इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट, सही है, सम इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट, वही वाली बात बोल रहा है, सम ए आर बी, तो ऑब्वियसली जब पूरा ही है तो आधा भी होगा। नेक्स्ट वन, सम फ्लूट आर नॉट इंस्ट्रूमेंट, गलत है मैम, रॉन्ग है, नहीं फॉलो करेगा, वेरी गुड, बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा ये, एकदम सही हो आप लोग। फिर सम इंस्ट्रूमेंट्स आर हारमोनियम, Not harmonium, मैम गलत है। सम इंस्ट्रूमेंट आर नॉट हारमोनियम, गलत। लास्ट वन, नो फ्लूट इज हारमोनियम, गलत। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे एक और कंक्लूजन लिखा है वो बताना।
ऑल आर हारमोनियम. रॉन्ग है मैम. रॉन्ग है. सारे ही फ्लूट हारमोनियम हो सकते हैं वाली बात ही नहीं कर रहे हैं. डेफिनेट केस में, डेफिनेट में ये दैट मींस की रॉन्ग. क्यों? क्योंकि जो फ्लूट का जो बाकी बचा हुआ पार्ट था जिसमें हारमोनियम नहीं आ रहा था, वो पार्ट आपका क्या हो रहा है उस पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, और ऑल आपका पूरे ही इंफॉर्मेशन चाहता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन देखा जाए. नो डोर इज डॉग, तो वैसे भी ठीक है. और नो डॉग इज कैट. अब बताना, कंक्लूजन चेक कर लो फटाफट. पहला कंक्लूजन, सम डोर्स आर डॉग्स, गलत या सही? गलत मैम. गलत आयशा कहना, गलत है. ओके गलत है मैम. नहीं फॉलो करेगा आप लोग ऐसा बोल रहे हैं. ओके मान लिया मैंने, सम डॉग्स आर कैट्स. गलत कर. तो फिर तो सम कैट्स आर डॉग भी गलत, डोर भी गलत हो जाएगा. नो मैम, ये तो पता नहीं है ना, इन्फॉर्मेशन नहीं. मतलब फॉलो कर रहा है ना, कैट और डोर के बीच में क्या सम का रिलेशन है? क्या कैट और डोर के बीच में सम का रिलेशन है? नहीं होगा. आपको मालूम नहीं है, है या नहीं है वो तुम्हें पता ही नहीं है. नेक्स्ट वन, नो डॉग, नो डॉग इज डोर. नो डॉग इज डोर फॉलो कर रहा है सर. दिव्यांश और शिवानी का कहना है, पायल का कहना है, बोलो. फॉलो कर रहा है. सेकेंड वन, नो कैट आर डोर. क्या होगा कैट और डोर के बीच में? ट्रू मैम, इंफॉर्मेशन ये तो गलत हो जाएगा. इस वाले के लिए बताओ आंसर करो, क्या होगा? नो कैट आर डोर रॉन्ग होगा मैम. रॉन्ग होगा, राहत का कहना है, दिव्यांश का भी कहना है फॉल्स होगा. क्यों? अभी सबके बीच में नो नो का रिलेशन दिख रहा है तो इन्फॉर्मेशन ही. बट मैम नो का रिलेशन कैट और डोर के बीच में नहीं दिया गया है. एग्जैक्टली करेक्ट, बिल्कुल सही. यहाँ पे कैट और डोर के बीच में नो का रिलेशन नहीं गिवन है. डोर और डॉग के बीच में नो का रिलेशन है, डॉग और कैट के बीच में नो का रिलेशन है, लेकिन इनके बीच में क्या रिलेशन है, चाहे वो सम का हो, ऑल का हो, नो का हो, या सब नॉट का हो, आपको मालूम ही नहीं है कि इनमें से कोई रिलेशन है भी या नहीं. ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट वाले को बताओ. नो कैट्स आर डॉग्स. No सही, है. सही है मैम. करेक्ट होगा, सही होगा मैम. सही होगा. अच्छा, कैट और डॉग के बीच में पूछा था, नो कैट आर डॉग्स, तो ये आप बोल रहे हो सही हो रहा है. इसको आपने बोला था गलत हो रहा है. सम डोर आर नॉट डॉग, ये क्या होगा? करेक्ट है मैम. करेक्ट है, आर नॉट डॉग. रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है मैम. और किसी को कुछ लग रहा हो आंसर? शिवम इतना शांत क्यों है? जब तक सुन करोगे नहीं, बोलोगे नहीं, दिमाग में कुछ नहीं जाएगा तुम लोगों का कि किसको समझ आ रहा किसको नहीं आ रहा. शिवम बोलना स्टार्ट करो. सम डोर आर नॉट डॉग, एब्सोल्युटली आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डोर और डॉग के बीच में नो का रिलेशन है. आपसे पूछता है कि क्या इसका आधा पार्ट इसके साथ नो के रिलेशन में है, तो वो भी इसी बात है कि ये है. नेक्स्ट वन बताना, सम डोर आर नॉट डॉग्स, सॉरी सम डोर आर नॉट कैट्स. सम डोर आर नॉट कैट्स, गलत है मैम. मैम गलत है.
बिल्कुल, अभी हमने बात की थी ना कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन हमें नहीं, रिलेशन नहीं है, दैट मींस कि ये रॉन्ग, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, सही है मैम, ओके, ऑल कैट्स आर डॉग्स, वो बताओ, ये तो रॉन्ग ही है, ये तो स्टेटमेंट ही उल्टा हो जाएगा, ये तो पूरा स्टेटमेंट ही इसने अलग दिया है, दैट मींस कि ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। वैसे भी मैंने तुम लोगों को बोला था ना, जब स्टेटमेंट पूरे तरीके से आपका निगेटिव गिवन हो और आप डेफिनेट कंक्लूजन चेक कर रहे हैं, तो कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा इन डेफिनेट केस, लेकिन केवल ये डेफिनेट केस के लिए है, इसको पॉसिबिलिटी में मत लगाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन पे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका डायग्राम है, सम ग्रीन आर नॉट रेड, सम ग्रीन मान लो ग्रीन का ये पार्ट मैंने बोला, आर नॉट रेड, फिर बोलता है सम रेड, सम रेड आर नॉट वाइट, तो क्या होगा आंसर सबका, पहले वाले का बताना, फर्स्ट वन आयशा, सम ग्रीन आर रेड, क्या करेक्ट होगा मैम, नहीं रॉन्ग है, रॉन्ग है, यस मैम, पक्का मैम, 100%, 100%, ओके, गलत है, अच्छा आयशा का आंसर है रॉन्ग है, राहत कह रही है गलत है, दोनों में से किसके साथ हो तुम लोग, दिव्यांश आयशा के साथ, शिवानी दोनों के साथ, मैम गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पॉजिटिव पूछ रहा है ना, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बोला कि जब आपको निगेटिव स्टेटमेंट दे के रखा है और डेफिनेट कंक्लूजन आप चेक कर रहे हैं, पॉजिटिव कभी भी फॉलो नहीं करेगा आपका, तो आप डेफिनेटली उसको गलत करो और हटाओ, फिर सम रेड आर वाइट जैसे ही आया आपने बोला कि ये भी गलत है, ये तो वही बात कह रहा है ना। नेक्स्ट वन, सम वाइट आर नॉट रेड, ये बताना मुझे, गलत है, सम वाइट आर नॉट रेड, दिव्यमन का कहना है गलत है, शिवानी का कहना है करेक्ट है, हम गलत है, आशा का कहना है गलत है, राहत का भी कहना है गलत है, पायल भी गलत, अच्छा सब गलत बोल रहे हैं, सही किसने कहा था, शिवानी ने, शिवानी क्यों लगता है बेटा कि ये सही है, करेक्ट क्यों है, अगर आपके माइंड में ये आया है कि ये है तो करेक्ट क्यों है, फिगर की वजह से, अच्छा फिगर में क्या बोल के रखा है, आपको पूछा था व्हाइट और रेड के बीच में सम नॉट का रिलेशन, तो यहां बोला है सम रेड आर नॉट व्हाइट, आपसे पूछ रहा है सम व्हाइट आर नॉट रेड, गिवन है सम रेड आर नॉट व्हाइट, पूछ रहा है सम व्हाइट आर नॉट रेड, दोनों में डिफरेंस है, इन्फॉर्मेशन रेड के बारे में दी है, पूछ व्हाइट के बारे में रहा है, अब बताओ शिवानी क्या आंसर होगा, अब तुम सही हो, क्योंकि आपको व्हाइट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप बोल ही नहीं सकते हो यार कि पता नहीं इसके साथ, ये इसको नहीं जानता, जैसे तुम्हारे ही रिलेशन में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको तुम लोग नहीं जानते होगे, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो भी तुम्हें ना जानते हो, तुम्हारे चाचा ताई ताऊ में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको तुम नहीं जानते होगे, रिलेटिव्स होते हैं ना, लेकिन आप वो भी जरूरी नहीं कि वो आपको ना जान रहे हो, क्या पता तुम उनके लिए एकदम स्टार हो, तो नेक्स्ट वन बताना, दैट मींस कि ये गलत हो गया, नेक्स्ट वन बताना, सम व्हाइट आर नॉट ग्रीन, व्हाइट और ग्रीन के बीच में गलत है मैम, गलत है, सब गलत है, मैं तो पता ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं मालूम है, फिर नो ग्रीन इज व्हाइट, गलत है, सारे गलत है, सारे गलत है, गलत कर दो फटाफट, सारे गलत, नो ग्रीन इज व्हाइट, नो रेड इज व्हाइट, आपको नो नो जब भी आता है तो पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो कि तुम्हें नहीं मिल रही है, इसीलिए आप बोल रहे हो सारे गलत हैं यहाँ पे। अब ये तो तुमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस देखे हैं,
हर एक स्टेटमेंट के ऊपर, लेकिन अब अगर इसी में दो स्टेटमेंट मिलके आ जाए, यहाँ पे ओनली अ फ्यू के लिए है, लेकिन अभी ओनली अ फ्यू आपको नहीं करा रहे हैं, आगे जब ओनली अ फ्यू करवाया जाएगा वहां पे आंसर करना। अब दो स्टेटमेंट को मिलाकर के स्टेटमेंट बन के आएंगे, उनको ट्राई करो कि उनमें क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। सबसे पहले इस स्टेटमेंट का डायग्राम बनाओ, ऑल बसेस आर कार, सम बसेस आर ट्रक्स, इनका डायग्राम बनाओ, कंक्लूजन चेक करो, आंसर बताना। आंसर तुम्हें यहां से देना है, आंसर आपकी तुम्हें यहां देना है, और सब लोग अपना अपना आंसर पहले लिख लो, तुरंत टाइप कर करके आंसर भेजने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सो नहीं हो रहा है, एक बार कंफर्म करो क्वेश्चन क्या शो नहीं कर रहा आप लोगों को? कर रहा है मैम, कर रहा है। राहत एक बार रिफ्रेश करो बेटा, एक बार रिफ्रेश कर लो तो शायद आपको दिखाई देगा, मेरे ख्याल से नेट का प्रॉब्लम है। मैम इसका डायग्राम समझ नहीं आ रहा। इसका डायग्राम नहीं समझ आ रहा, देखो पहला वो All buses are car. All buses, सारी buses car में है, हाँ ये समझ आ गया, ये तो आ गया था, इसके आगे some buses are trucks, मतलब buses का एक part truck में है। मैम बस का है, वो कार पे आप कर रहे हो। buses का एक part truck में, इस तरीके से डायग्राम, ठीक है मैम। अब बताना यहाँ पे क्या होगा, क्या नेट को लेकर के बार बार आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, ऐसा चल रहा है। चलो बताना क्या आंसर होगा। सम बस आर डेफिनेटली नॉट ट्रक्स, क्या ये होगा? Some buses are definitely not trucks. Shivani का answer आया है E. Both conclusion, first and second follow. अच्छा, Shivani ने answer E. अपना अपना answer करो आप लोग बस। कुछ मत बताओ, सिर्फ answer कर दो, फिर मैं बताती हूँ आपको। और वही type हर कोई कर सकता है, इसलिए सब answer कर देना। राहत अब भी तुम्हें नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, एक बार सब अपना आंसर करना, अगर आंसर आ गया है सबका तो सब लोग अपना आंसर टाइप करो। गलत सही को लेकर के परेशान मत हो कि गलत हुआ तो क्या, ये सब लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सब तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ गलत करना कोई बड़ी बात नहीं है। आयशा और शिवानी ने अब तक आंसर किया है, बाकी लोगों का आंसर कहाँ है? दिव्या, दिव्यमान, पायल, शिवम, राहत, आंसर्स। क्या मेरा साउंड नहीं जा रहा तुम लोग तक? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोग सुन नहीं पा रहे हो? मैम वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। मेरी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है? अभी प्रॉपरली सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है ये बताओ। क्लियर आवाज अभी दे रहा है? अभी दे रहा है, ठीक है। बोल रही हूँ अपने आंसर से टाइप करो या फिर माइक्रोफोन करो और बताओ कि क्या आंसर आप लोगों का इस क्वेश्चन को लेकर के। सिर्फ तीन लोगों ने आंसर अब तक दिया है, शिवानी, आयशा और राहत। शिवम का आंसर ई है, ओके।
बाकी लोग दिव्या दिव्या मैम अपना आंसर बताओ क्या होगा मैम मेरे को समझ नहीं आ रहा है अच्छा कोई बात नहीं जस्ट वेट दिव्या का आंसर बी है अब देखो आ जाओ यहाँ पे एक बार देख लेते हैं अभी तक समझना आसान इसलिए था क्योंकि अलग अलग कर रहे थे अभी तक जितने स्टेटमेंट तुम्हें मिले वो सिंगल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं कर रहा था लेकिन अब ये मिक्स आता है तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करता है आपको कैसे होगा यार है ना तो देखो सिंपल करना क्या है जितना स्टेटमेंट में देख रखा है सिर्फ उतना कंसिडर करो आप सिर्फ उतना कंसिडर करो आपको क्या पूछा है सम बसेस आर डेफिनेटली नॉट ट्रक्स बसेस और ट्रक्स के बीच में सम नॉट का रिलेशन पूछा है मैंने आपको बोला था ना कि आपको इसको स्टेटमेंट या कंक्लूजन के तौर पे नहीं लेना है आपको कैसे लेना है कि दो वेरिएबल्स हैं इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में सम सम नॉट ऑल और नो का रिलेशन भी देता है और इसी रिलेशन की कंफर्मेशन के लिए कंक्लूजन में पूछ रहा होता है आपसे आपको क्या बोला यहाँ पे कंक्लूजन में कि बस और ट्रक के बीच में बताओ सम नॉट का क्या रिलेशन कोई है तो आपने बोला यहाँ पे कि बस और ट्रक के बीच में रिलेशन तो गिवन है लेकिन कैसा गिवन है पॉजिटिव सम का गिवन है ना बी का कुछ पार्ट बी का ये पार्ट पूरा आप कह सकते हो बी का ये पार्ट टी में आ रहा है और टी का भी इतना ही पार्ट बी में जा रहा है लेकिन बी के इस पार्ट के बारे में टी के इस पार्ट के बारे में क्या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है बताओ मुझे क्या कोई इंफॉर्मेशन है नो मैम और जब नहीं है बेटा तो सिंपल सी बात है ना कि आपको पता ही नहीं है वहां पे दैट मींस कि पहला वाला आपका यहाँ पे क्या हो गया बस और ट्रक के बीच में सम का रिलेशन दिया था लेकिन बस और ट्रक के ही बीच में आपको सम नॉट पूछ रहा है आप कैसे क्लियर करोगे इस चीज को नहीं कर सकते क्यों क्योंकि आपको मालूम ही नहीं इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं अगर इन्फॉर्मेशन दिया होता तो हम बात अलग होती लेकिन यहाँ गिवन ही नहीं है दूसरे की बात करते हैं सम ट्रक्स आर कार्स अच्छा अब ये देखो यहाँ पे आ जाओ दूसरे ये तो पहले वाले का पॉइंट हो गया दूसरा एक बार देख लेते हैं देखो सम ट्रक्स आर कार्स जब आपने ट्रक को बी का पार्ट बनाया तो बी में ये सी का ये थोड़ा सा पार्ट आ रहा है ना बी का अगर शेयर हो रहा है तो ये पूरा ही बी सी के अंदर ही है दैट मीन्स कि सी का भी पार्ट इसके अंदर आएगा तो सिंपली आप क्या फिगर आउट कर सकते हो कि ये है आपका B और ये रहा तुम्हारा क्या C ठीक है और इसी C में T बनाया जा रहा था देखो इसी C में T बनाया जा रहा था तो C का ये जो छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है C का ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये आ रहा है इसके अंदर और वही तुमसे पूछता है कि क्या T और C भी सम का पार्ट शेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ वो शेयर कर रहे हैं ये बात कितने लोगों को क्लियर हो गई है एक बार कंफर्म करो दिव्यमन क्लियर हुआ ये पॉइंट यस मैम अब पहचान पाओगे आप लोग आसानी से यस मैम दैट मींस कि आपका यहाँ पे आंसर क्या हुआ जब पहला गलत हो जा रहा है दूसरा सही हो रहा है दैट मींस आप किसके साथ जाओगे ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस केवल कंक्लूजन सेकंड फॉलो कर रहा है चल नेक्स्ट क्वेश्चन करना और बताना इसमें क्या आंसर होगा अब यहाँ पे ऑल और नो का रिलेशन दिया है स्टेटमेंट में सम और नो आपसे पूछ रहा है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों देखने की कोशिश करना कि क्या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन कन्फर्म हो रहा है या नहीं जब तक डेफिनेट ना हो जाओ तब तक आंसर यहाँ पे फॉलो कभी भी नहीं करेगा बना लो पहले पहले तो डायग्राम बनाओ और अगर किसी को डायग्राम बनाने में दिक्कत हो रही है तो वो बताओ
आंसर शिवानी का डी होगा, आंसर डी आंसर होगा, डी आंसर होगा। दिव्यमन का भी आंसर डी आ रहा है, दिव्यांश का आंसर बी आ रहा है। दिव्यमन बी बोला था या डी बोला था ये क्लियर करो। डी डी फॉर दिव्यमन। ओके 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 डी। अच्छा यहाँ पे आंसर्स अलग अलग आए हैं। शिवानी ने सबसे पहले आंसर डी दिया था बट चेंज किया बी में। पायल का आंसर डी है, दिव्यांश का आंसर बी है, आयशा का आंसर बी है, दिव्यमन का आंसर डी है। ओके अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करो। शिवम का आंसर बी है, ऐशा का भी बी है। आ जाओ देख लेते हैं एक बार, आ जाओ देख ले एक बार। दिव्या का आंसर नहीं आया अभी तक, बाकी सबका आंसर आ गया है। दिव्या ओके चलो देखो। सम काउचेस आर चेयर्स, काउच और चेयर के बीच में सम का रिलेशन आपसे पूछ रहा है, लेकिन जरा ध्यान देना इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन दिख रहा है आपको। तो मुझे बताएगा कि अगर मैं काउच और चेयर के बीच में रिलेशन डिफाइन करने को बोलूं तो क्या गिवन है, कैसा रिलेशन गिवन है दोनों के बीच में? नो का रिलेशन। नो का, नो का रिलेशन, डायरेक्ट नो का रिलेशन गिवन है यहाँ पे काउच और चेयर के बीच में। और अगर नो का रिलेशन गिवन है पूछ सम के लिए रहा है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि फर्स्ट वन गलत हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं। नो टेबल इज काउच, नो टेबल इज काउच, क्या ये भी गलत हो रहा है? अगर मैंने यहां आपने बोला कि चेयर और काउच के बीच में मैम नो का रिलेशन है, तो मैं पूछ रही हूं आपसे कि चेयर जिसका पार्ट टीवी है, जिसका पार्ट टेबल भी है, क्या वो काउच के साथ नो के रिलेशन में नहीं आएगा? ऑब्वियस बात है ना, वो तो आ ही जाएगा। जैसे सिंपल समझना कि मैंने बोला सम स्टूडेंट्स आर एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स, इतना बोला। उसके बाद बोला कि ऑल सॉरी नो एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट आर बैंकिंग एस्पिरेंट। मैंने बोला सम स्टूडेंट्स आर सीजीएल एस्पिरेंट और नो सीजीएल एस्पायरेंट आर बैंकिंग एस्पायरेंट। तो सीजीएल और बैंकिंग एस्पायरेंट के बीच में आपने बोला नो का रिलेशन है, तो ये जो सीजीएल देने वाले स्टूडेंट हैं सारे, इनके और इनके बीच में भी तो नो का ही रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा है, ये सारे के सारे किसके अंदर आ रहे हैं? सीजीएल के अंदर ही आ रहे हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे इनके और इनके बीच में भी नो का रिलेशन मिलेगा। दैट मीन्स कि क्या होगा यहाँ पे, नो टेबल इस काउच क्या करेगा, फॉलो कर जाएगा। यही सेकंड करेक्ट हुआ तो तुम्हारा आंसर अगेन क्या बना, बी। समझ में आ गया सबको, क्लियर हुआ? यस मैम। चलो नेक्स्ट वन करते हैं, फिर नेक्स्ट वन करते हैं। क्या बोला है, ऑल कॉल्स आर मेल्स, सम मेल्स आर पोस्ट एंड सम पोस्ट आर लेटर्स। क्या डायग्राम बनेगा बताना, डायग्राम बना के आंसर करो। आप आंसर करो, डायग्राम तो बन जाए। राहत का आंसर है डी, राहत ने आंसर किया है डी। राहत रैशा दोनों का आंसर आ गया है। आंसर आंसर क्या होगा बताओ,
एक मिनट मैम, रीचेक कर रहा हूँ। कर लो कर लो कर लो, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो और फिर आंसर करो। किसको? किसको क्या हो गया दिव्यांश? तो अपना आंसर बताओ, क्या आंसर है, फिर वो हम डिस्कस कर लेंगे ना, परेशान क्यों? तुम्हारा आंसर बी है। अच्छा दिव्यांश का आंसर बी है, दोनों सही लग रहा है मैम, दोनों सही लग रहा है, दोनों सही लग रहा है, दैट मींस कि आपका आंसर ई आना चाहिए। यस मैम। ओके दिव्यांश बी, राहत डी, आयशा डी। और भाई शिवानी का ई आ रहा है, दिव्या का ए आंसर आ रहा है, बस ये छूट गया मैम, वो मैं बोलूंगी बोल दे। राहत का कहना है सिर्फ डी है, बस फाइनल डिसीजन है कि डी है। अच्छा चलो देख लेते हैं भाई, यहाँ पे डायग्राम सेम बना है सबका, किसी का कुछ अलग डायग्राम है? नो मैम, यही बना के रखा है। ओके फाइन, चलो अब तुम्हें क्या क्या दिया है और क्या क्या पूछ रहा है उसको पॉइंट आउट करते हैं। यहाँ पूछा क्या है, मेल और कॉल के बीच में मुझे बताओ ऑल का रिलेशन है क्या। आपने देखा मेल और कॉल, मेल और कॉल के बीच में ऑल का रिलेशन चेक करना है। अब जरा एक बात समझना है, यहाँ पे एक छोटा सा अलग से फिगर बना रही हूँ, सम ए आर बी, सॉरी ऑल ए आर बी। मैंने आपको यहाँ पूछा है ये बताओ ऑल बी आर ए, क्या ये करेक्ट होगा? नो मैम, गलत है ना, क्योंकि ऑल बी, ऑल ए के बारे में तो पता था, ऑल बी के बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ है? अब आ जाओ यहाँ पे, सम ऑल कॉल आर मेल तो ठीक था, ऑल मेल के बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ है, मेल का ये जो पार्ट है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ है, और पहले में यही तो पूछ रहा है ऑल मेल्स आर कॉल्स, तो जब इन्फॉर्मेशन नहीं है बेटा तो ये सही कैसे हो रहा है? जिसका जिसका सही हुआ है, एक बार जरा सा फिर से सोचो उस चीज को, फिर से एक बार ध्यान दो कि क्या गड़बड़ किया है तुमने, किसका किसका ऐसा बना था एक बार बताना, किसका किसका पहला सही हुआ था, शिवानी और दिव्यमान, राइट? मेरा भी हुआ था सही, गलत? यस मैम। देखो डिफरेंस समझना, अच्छा दिव्या का डिफरेंस समझना, जब आपको पूछता ऑल कॉल्स आर मेल्स तो आप क्या कहते कि मैम मेरे को मालूम है कि सारे कॉल्स के बारे में स्टेटमेंट में बता के रखा है तो इसको मैं सही कर देता हूँ, लेकिन जैसे ही उसने बोला ऑल मेल्स आर कॉल्स तो अब तुमसे मेल्स में जितने भी थे सबके लिए पूछ रहा है, जबकि आपको पता उनके बारे में नहीं है, आपको पता कितने के बारे में, जितने प्लेस पे कॉल्स है सिर्फ पता उतने के बारे में, बाकी इनके बारे में मालूम नहीं है, इसीलिए आपका फर्स्ट रॉन्ग हो रहा है। समझ में आया शिवानी, दिव्या, दिव्यमान, क्लियर हुआ ये बात? यस मैम। ओके नेक्स्ट की बात करते हैं, नो कॉल इज लेटर, कॉल और लेटर के बीच में नो का रिलेशन पूछ रहा है आपसे। अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें कितने लोगों को लगता है ये सही है और कितने लोगों को लग रहा है कि ये गलत है? कॉल और लेटर के बीच में नो का रिलेशन है ऐसा पूछा जा रहा है, डायग्राम के अकॉर्डिंग करेक्ट है, शिवानी का कहना है डायग्राम के अकॉर्डिंग करेक्ट है। ओके शिवानी फाइन, आप जो बोल रहे हो अभी अभी उसको भी बात करते हैं। अब यहाँ पे बात करने से पहले मैं तुम लोगों को एक पीछे की क्वेश्चन में लेके जा रही हूं, उसको देखना। यहां दिया था नो डोर इज डॉग,
ये था डायग्राम आपका। मैंने पूछा था आपसे कि नो डॉग इज डोर, क्या करेक्ट होगा? तो आपने बोला हाँ मैम करेक्ट होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों के बीच में नो का रिलेशन गिवन है, डायरेक्ट गिवन है, डायग्राम में गिवन है। ठीक है, आ जाओ अपने क्वेश्चन पे वापस। यहाँ पे मुझे बताओ, अगर नो कॉल इज लेटर आप चेक कर रहे हो, दैट मीन्स कि डायग्राम कुछ ऐसा दिखना चाहिए था तुम्हें। नो कॉल इज लेटर, कुछ ऐसा डायग्राम बना होना चाहिए था। अब शिवानी बताना, क्या डायग्राम के अकॉर्डिंग भी ये सही है? नहीं ना, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग भी गलत है, ये इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी गलत है। गलती क्या हुई है वो सुनना। आपने इसका लिटरल मीनिंग ले लिया कि कॉल और लेटर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है, ऐसे नहीं चेक करना है। आपको क्या चेक करना था? कॉल और लेटर के बीच में ये नो का रिलेशन गिवन होना चाहिए था, जो कि आपको यहाँ नहीं है। अगर ये रिलेट कर रहा होता तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बना होता, डायग्राम आपका ऐसे बना होता, लेकिन आपके डायग्राम में ये गिवन ही नहीं है बात। और ये गिवन नहीं है तो दैट मीन्स कि आपका सेकंड भी सही नहीं होगा। अभी बात समझ में आई सबको, क्लियर हुई है? ये भी आपका यहाँ गलत है, ये भी आपका यहाँ गलत है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो अभी, क्योंकि लोगों को लेके कंफ्यूजन होती है, सब मुझे पता है। तो अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लो, क्लियर कर लो। किसी का नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा फिर? जब दोनों ही गलत हो गए, दैट मीन्स कि आपका आंसर यहाँ पे नाइदर नॉर। ओके, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। नेक्स्ट का आंसर देना, नेक्स्ट में क्या होगा? राहत का आंसर आया है डी। राहत, आयशा, शिवानी, पायल, डी 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 डी, वैभव डी। अच्छा, दिव्यांश का भी डी। दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे। नो यूनिट इज एलिमेंट एंड सम यूनिट आर आइटम्स, श्रम का भी आंसर आ जाओ। देख लेते हैं डायग्राम तो ऐसा ही सबका बना होगा। पहला है यूनिट और एलिमेंट के बीच में नो का रिलेशन आपको चाहिए था। यूनिट और एलिमेंट के बीच में आपको क्या कोई भी रिलेशन यहाँ गिवन है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली? नो मैम। यूनिट से एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि कुछ भी गिवन है या नहीं गिवन है, मतलब कंफर्मेशन आप एटलीस्ट नो के लिए तो आप बिल्कुल कंफर्म नहीं हो पा रहे हो, इसलिए पहला गलत। दूसरा बोलता है सम यूनिट और आइटम, यूनिट और आइटम के बीच में पूछ रहा है सम का रिलेशन, अगेन आप यही कहोगे कि नहीं मालूम। अच्छा, मैं यहाँ पे कंक्लूजन आपसे पूछ रही हूँ, वो मुझे बताना। अगर मैंने यहाँ पे पूछा सम पार्ट आर नॉट यूनिट, करेक्ट होगा या नहीं? क्या ये फॉलो करेगा या फिर नहीं फॉलो करेगा?
वैभव के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, बाकी राहत के लिए कर रहा है, कर रहा है मैम। कॉन्ट्रीब्यूशन दिव्यमन के अकॉर्डिंग कर रहा है, ओके। यहाँ पे वैभव कैसे ध्यान नहीं दिया तुमने, यहाँ पे फॉलो करेगा, डेफिनेटली फॉलो करेगा, पार्ट और यूनिट के बीच में नो का रिलेशन, तो आपसे पूछता है सम नॉट का रिलेशन बताना है ना, तो सम नॉट का रिलेशन तो फॉलो कर जाएगा ना। ध्यान दिया नहीं तुमने कि यहाँ पूछा क्या गया है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जब मैंने, अगर मैंने यहाँ ये बोला होता नो ए आर बी, और यही तो पूछ रहे हैं यहाँ पे कि सम बी आर नॉट ए, तो ऑब्वियसली आप बोलते कि हाँ फॉलो कर जाएगा, तो यही चीज यहाँ पे पूछी गई है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना क्या होगा आंसर। सम ब्रिजेस आर रोड, and no road is underpass. अब आपको पूछता है some bridges are underpass and no bridge is underpass. राहत का आंसर डी आया है, पायल का आंसर डी, आयशा का डी, शिवानी का भी, राहत का सी, सॉरी मैम सी होगा इधर और। अच्छा राहत का कुछ अलग सा आंसर आया है सी। अब आ जाओ यहाँ पे हम एक नया रूल सीखेंगे, और इस नए रूल को पहली पे प्लीज कॉपी पेन उठा लो और लिख लो कहीं पे, क्योंकि ये भूलता बहुत है और कंफ्यूज बहुत होते होते हैं। इसको बोलते हैं इधर और का रूल, इसको बोला जाता है इधर और का रूल, ठीक है। पहली चीज ये इधर और का रूल आप सीख क्यों रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे ऑप्शन सी देख रहे हो, यहाँ बोल रहा है इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, मतलब जब ऐसे कंक्लूजन तुम्हारे पास आए जहां पे आपको श्योरिटी दोनों ही कंक्लूजन में ना मिल रही हो, और आपको कुछ कंडीशंस ऐसी मिले जो इधर और फॉलो करवाती हैं, तो वहां पे आप इधर और का ऑप्शन चेक करते हो। ध्यान देना कहाँ पे क्या क्या कंडीशन होंगी। सबसे पहली कंडीशन इधर और की ये होती है कि जो भी कंक्लूजन आप चेक कर रहे हो वो दोनों ही रॉन्ग होने चाहिए, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, ये लिख लो, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। अब सबसे पहले तुम यहाँ पे ये चेक करो कि क्या ये दोनों ही गलत हो रहे हैं। तो सम ब्रिजेस आर अंडरपास, ब्रिज और अंडरपास के बीच में कोई रिलेशन गिवन ही नहीं है, तो पॉजिटिव रिलेशन निकालना मुश्किल है आपके लिए, वो भी डेफिनेट केस में। दूसरी बात आती है नो ब्रिज इज अंडरपास, ब्रिज और अंडरपास के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन यहाँ गिवन नहीं है, तो आपने बोला कि ये भी गलत। ये पहली कंडीशन है जो आपकी आइदर और के लिए फुलफिल कर रहा है। सेकंड कंडीशन में कहता है वो कि जो वेरिएबल्स हैं दोनों ही कंक्लूजन के अंदर सेम होने चाहिए, सेम वेरिएबल्स होने चाहिए, मतलब देखो यहाँ पे ब्रिजेस और अंडरपास की बात की गई है, तो यहाँ पे भी ब्रिज और अंडरपास के बीच में ही पूछ रहा है रिलेशन, मतलब दोनों ही कंक्लूजन में जो दो वेरिएबल्स गिवन है वो क्लियरली सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं हुआ तो फिर आप आइदर और चेक नहीं करोगे, ठीक है। थर्ड कंडीशन ये बोलता है आपको कि एक कंक्लूजन आपका, एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए जबकि दूसरा कंक्लूजन आपका निगेटिव होना चाहिए, और यहाँ देखो एक कंक्लूजन कैसा है, सम है मतलब पॉजिटिव है, दूसरा नो है मतलब निगेटिव है।
और जहां पे भी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हुई मिलेंगी वहां पे आप क्या कहोगे कि आइदर और फॉलो कर रहा है। किसी को अगर इसमें कोई बात नहीं समझ आई हो तो बोलो, बताओ क्लियर हुआ है या फिर इसको दोबारा से बताया जाए। ओ क्लियर, अच्छा सबको क्लियर है, सबसे पूछा जा रहा है भाई, दो तीन बच्चों से सबसे पूछती हूँ तो सब आंसर कर दिया करो। दिव्यमन को क्लियर है भाई, बाकी दिव्यांश लग रहा है नेट चला गया इसका लड़के का, अब ये परेशान होगा कल जब आएगा तो आइदर और को लेकर के। सबको क्लियर है तो अब यहाँ समझ में आया कि आंसर सी क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही चीजें क्लियर आपकी क्या फॉलो कर रही है, ये दोनों ही कंक्लूजन गलत हो रहे हैं। इन दोनों ही कंक्लूजन में वेरिएबल्स की बात की जा रही थी और एक पॉजिटिव मिला है दूसरा निगेटिव मिला है, तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है इसीलिए आइदर और हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लो इन तीनों में से कोई भी ऐसी कंडीशन होती ना जो फॉलो ना करती तो आप वहां पे आइदर और नहीं लगाओगे, तो उस केस में आप क्या लगाओगे, नाइदर नॉर। सिंपल, कोई कंडीशन करनी नहीं है, सिंपल आप नाइदर नॉर वहां पे अप्लाई कर दोगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करो और जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। ओनली अ फ्यू को लेकर के है, जस्ट अ मिनट, इस क्वेश्चन को होल्ड कर दो, ओनली अ फ्यू नहीं बताया ना, मतलब नहीं है, इसको करो। ऑल डेल्टा बीचेस आर डेल्टास, ऑल डेल्टास आर कुशंस, नो कुशन इज वेव, इसका आंसर क्या होगा। ऐसा कहना है राहत का ई आंसर हो रहा है, वैभव का भी आंसर ई हो रहा है। सम बीचेस आर नॉट वेव पूछा है और दूसरा क्या पूछा है, नो डेल्टा इज वेव, तो दोनों के बीच में नो का रिलेशन था तो सम नॉट तो फॉलो कर ही जाएगा और डेल्टा और वेव के बीच में तो डायरेक्टली नो का रिलेशन गिवन है तो उसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है आंसर ऑप्शन ई। किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक में, एक बार बता देना किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक के क्वेश्चंस को करने में, अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो जस्ट टेल मी। ओके सो अब तुम लोगों को सिंपल एक काम करना है बेटा कि कुछ क्वेश्चंस निकाल करके प्रैक्टिस करना। क्वेश्चंस निकालोगे कहां से, आप जैसे ही आईबीपीएस वाले पार्ट को वहां पे प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी पड़ा हुआ है वहां से डाउनलोड करना और वहां के कुछ क्वेश्चंस को करना। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या बोल रहे बेटा? मैम आवाज नहीं आ रही, क्वेश्चंस कहां मिलेंगे? आप लोगों को एक पर्टिकुलर कोर्स में लाइक इवनिंग वाले कोर्स के अलावा एक और बैच में ऐड किया गया होगा, एक कोर्स में ऐड किया गया होगा जहां पे आपको सिलॉक्स वाले टॉपिक पे जाना, वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो प्रैक्टिस सेट, वहां से प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करना और उसके बाद से आप क्वेश्चंस को कर लेना। अगर किसी को नहीं अपने ग्रुप में सेंड कर लेना, कोई भी एक स्टूडेंट जिसको भी मिल जाए अपने ग्रुप में सेंड कर लिया करो। ठीक है, साउंड नहीं जा रहा तुम लोगों तक मेरा? ओके चलो फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे, प्रैक्टिस करके आना ताकि आगे की क्वेश्चंस आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। ओके थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम।